हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भावना कांडवानी हियर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये मेकअप लुक जो मैंने लोटस हर्बल मेकअप प्रोडक्ट से क्रिएट किया है। ये नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, किसी भी तरह की स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये सिर्फ मैंने कुछ सामान लेके परचेज करके ये वीडियो क्रिएट करी है सिर्फ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैंने अपने फेस को प्रेप कर लिया है अच्छे से। अब मैं लोटस हर्बल का यहाँ पर प्राइमर यूज़ करूँगी। मैं पहले आई मेकअप से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं पहले आईज़ पे ही प्राइमर लेके उसको एंड कर लूँगी अच्छे से दोनों आईज़ पर, ताकि एक अच्छा सा कैनवस मिल जाए हम लोगों को। बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर आई पे प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। अब मैं लोटस हर्बल इको स्टे का काजल लेके एक लाइन ड्रॉ करूँगी। मैं यहाँ कुछ ब्लू स्मोकी करने जा रही हूँ, क्योंकि जितने प्रोडक्ट मेरे पास हैं मैं उन्हीं से ही आपको ये लुक क्रिएट करके दिखा रही हूँ। मैंने ये सामान जो परचेज किया था बहुत लेट आया है, और वो भी कम्प्लीट नहीं आया। तो जितना सामान है मेरे पास मैं आज आपको दिखाऊंगी कि कम सामान हो तो भी उसमें से लुक क्रिएट हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ मैंने ऊपर भी एक अनइवन सी लाइन लगा ली है लोटस काजल से, और काजल तो फिल कर ही लिया है आईज़ में। तो अब इसको मैं एक ब्लेंडर ब्रश, पेन ब्रश से लेके इसको अपनी हाफ आई तक मर्ज करूँगी। ये पैक का 7216 ब्रश है, पेन ब्रश है। अब इसको मैं अच्छे से जल्दी से मर्ज कर लूँगी, नहीं तो काजल जो है सूख जाता है। ये बहुत अच्छा काजल है, इसको मैं अपने बैक टू बैक हर मेकअप में यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको बहुत अफोर्डेबल और बहुत अच्छा काजल, जिनकी बहुत वाटरी आईज़ है, तो वो ये काजल ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। हाफ आई तक मैंने इसको मर्ज कर दिया है। अब मैं लोटस की आई शेडो पैलेट में से कलर उठाऊंगी। ये लोटस इको स्टे वेलवेट आई शेडो VEV03 नंबर है। अगर किसी को परचेज करना हो तो मैं सारे लोटस के प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा और लिंक से परचेज कर लीजिएगा। इसमें से मैं ब्लैक आई शेडो उठा रही हूँ, जो मैंने काजल को हाफ आई तक ब्लेंड किया था। मैं उसको अच्छे से उसके कॉर्नर ब्लेंड कर लूँगी। पहले तो एक मीडियम मर्जिंग ब्रश लेकर उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी उसके एजेस, ताकि कोई भी अनइवन कुछ ना दिखे आप। अब मैं दूसरे मर्जिंग ब्रश में एक ब्राउन कलर से उसके कॉर्नर एजेस ब्लेंड करूंगी, क्योंकि मैंने लोटस की दो आई शेडो मंगाई है और दोनों ही सेम आ गई है। उसमें कोई भी ब्लेंडिंग कलर नहीं था, तो ये मैंने अलग आई शेडो में से ब्राउन उठाया है। तो इससे हम एजेस के ऊपर एक लाइन क्रिएट कर लेंगे, जो हमारी क्रीज लाइन होगी। अब हम ब्लू कलर का आई शेडो लेकर, जो हमने ब्लैक स्मोकी किया, उसके ऊपर हम अच्छे से फिल कर देंगे। बहुत अच्छे से हम इसको फिल कर देंगे जहाँ हमने काजल और रेस्ट ऑफ कलर को ब्लेंड किया था। आप जहाँ तक स्मोकी करना चाहते हैं, हाफ लिड में या फुल लिड में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ मैं अपनी क्रीज लाइन तक ही कर रही हूँ। हाफ लिड में मैं आई शेडो क्रिएट किया। अब मैं वही दूसरी आईज़ पे भी कर लूँगी। उससे पहले मैं काजल लेकर उसी काजल को हल्का हल्का सा ब्लेंड करते हुए, क्योंकि मेरे पास आईब्रो मैंने पेंसिल ऑर्डर की थी वो आई नहीं, तो मैं अभी इसी काजल से मैं अपनी आईब्रोज़ को भी लाइन अप कर लूँगी अच्छे से। इसी तरह मैं दूसरी आईज़ को भी क्रिएट कर लूँगी। अब हम फिर से इको स्टे का प्राइमर यूज़ करेंगे फुल फेस, क्योंकि पहले मैंने आईज़ पे ही लगाया था। अगर आपको ध्यान हो तो आप अच्छे से जहाँ आपके पोर्स हैं ओपन, वहाँ पर आप प्राइमर लगा लीजिए। मेरे यहाँ नोज़ के पास बहुत थोड़ा सा
एरिया ओपन पोर्स है तो मैं वहाँ अच्छे से लगा लूँगी। नेक अगर आपके ड्रेस में है तो आप उसे भी ज़रूर इंक्लूड कीजिए, मैंने नेक पे भी लगा लिया था बाद में। यहाँ मैं लोटस का फुल कवरेज हाई कवरेज फाउंडेशन लिक्विड फाउंडेशन ले रही हूँ। ये एक्सपोज्ड हाई कवरेज फाउंडेशन है, एक्चुअली मेरे को काफ़ी टाइम हो गया इसे यूज़ करते करते। ये 02 नंबर है। इसका मैं पैकेजिंग भी आपको लगा दूंगी क्योंकि मेरे पास इसका कार्डबोर्ड नहीं था, तो इतना प्रोडक्ट निकाल कर मैं अपने फेस पे इसको डॉट डॉट में लगा लूंगी। फिर एक स्पॉन्ज से आप डैम स्पॉन्ज से इसको ब्लेंड कर लीजिए अच्छे से, फुल फेस पे आप इसको ब्लेंड कर लीजिए। हम इसको पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और यहाँ मैं नेक भी अपनी कवर कर रही हूँ अच्छे से, आप इसको ब्लेंड कर लीजिए। यहाँ पर मैं अपने अंडर आई में, क्योंकि मेरे पास कंसीलर नहीं था लोटस का, तो मैंने यही थोड़ा सा फाउंडेशन लेके और जहाँ मेरे मार्क्स थे वहाँ मैंने सब जगह थोड़ा और फाउंडेशन लगा के उसको उसी डैम स्पॉन्ज से ब्लेंड कर लिया है। मेरे डार्क सर्कल हैं, अगर आपके नहीं हैं तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। नोज़ के पास 2-4 डॉट थे वो भी मैंने क्लियर कर लिए। अब मैं ये लोटस का कॉम्पैक्ट लेकर अपना फुल फेस इससे मैं पैक कर लूँगी, सील कर लूँगी। एक्चुअली ये मेरा लोटस का जो कॉम्पैक्ट है ये बाहर से टूट गया था, इसलिए मैंने इसकी पैकिंग नहीं दिखाई है, मैं फ़ोटो टैग कर दूंगी। अब इसमें से मैं वाइट शिमरी सा शेड लेके अपने इनर कॉर्नर में फिल कर लूंगी। मैं इस आई शेडो पैलेट में जितने कलर है उन्हीं से ही करना चाह रही हूँ सब कुछ। आई शेडो के हाइलाइटर का जो कलर इसमें वाइट दे रखा है उसको मैंने इनर कॉर्नर में लगा लिया है। कोशिश मैंने यही करी है कि जितने 4 आई शेडो हैं उन्हीं को यूज़ करके मैं सारा लुक क्रिएट करूँ। अब मैं अपने आईब्रो बोन पे भी इसको लगा लूँगी एज अ हाइलाइटर। अच्छे से मैंने आईब्रो बोन पे और इनर कॉर्नर पे लगा लिया है। इसको थोड़ा सा हम ब्लेंड भी कर देंगे इनर कॉर्नर में जो हमने वाइट लिया है। अब जो मैंने ऊपर ब्राउन शेडो से अपनी क्रीज लाइन बनाई थी उसी से मैं आई के नीचे भी आई कंप्लीट करते हुए काजल को ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। अब ये लोटस का लाइनर लेके मैं बहुत पतला सा लाइनिंग करने जा रही हूँ। इसमें मैं बहुत शार्प लाइनर नहीं यूज़ करूँगी, मैंने एक बहुत पतला सा लाइन लगाया है लोटस का, ये काजल लाइनर यूज़ किया है। अच्छे से आप लाइन क्रिएट कर लीजिए कि कोई एरिया आपका जो आई के पास स्किन रह जाती है उसको कवर किया है जस्ट मैंने। अब यहाँ लोटस का मस्कारा मैं यूज़ करूँगी, लोटस इको स्टे हर्बल मस्कारा है ये। इसको मैं अपने आईलैश कर्ल करने के बाद इसको लगा रही हूँ। आप इसको अच्छे से ऊपर के आईलैश और नीचे आईलैश में दोनों जगह आप अच्छे से लगा लीजिए। बहुत सिंपल सा लुक रखा है मैंने, बहुत टफ नहीं है, कुछ सामान से हम ये क्रिएट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमको बहुत आसान है। इसमें मैंने बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट यूज़ करे, अगर आप देखें मैंने अच्छे से सारा यहाँ पे फिल कर लिया है इन नीचे की लैशेज में भी और ऊपर की लैशेज में भी। अच्छे से हम लगा लेंगे दोनों आईज पर। यहाँ पे मैं लोटस इको स्टे का अलोर 006 लिप शेड यूज़ करने जा रही हूँ, जिसका अलोर शेड का नाम है। ये कुछ पिंकिश टोन में है, हम इसके साथ न्यूड भी ले सकते हैं, बट मैंने आपको बताया जो मेरा सामान था अमेज़ोन से मुझे उसमें से कुछ चीज़ें ही अभी मिली थी, तो मैंने सोचा मैं लुक क्रिएट कर दूँ, इतना वेट में से हो नहीं रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था मुझे। इसको मैंने अच्छे से अपने लिप पे भी लगा लिया है और इसी लिपस्टिक को लेते हुए मैं इसको अपने एज अ ब्लश ऑन भी यूज़ कर लूँगी, क्योंकि आई शेडो पैलेट में मुझे ऐसा कोई शेड मिला नहीं कि मैं उसको पाउडर ब्लश ऑन की तरह यूज़ करूँ, तो इससे हम क्रीम
ब्लश ऑन भी लगा लेंगे। बहुत लाइट सा लगाना है मैंने यहाँ पर इसको। यहाँ मैं आई शेडो पैलेट में से वाइट सिल्वरिश कलर लेके उसी से अपने हाई पॉइंट्स हाईलाइट कर रही हूँ। मैंने नोज़ एरिया, क्यूपिड बो और अपने चीक्स हाईलाइट कर लिए हैं। जहाँ जहाँ आप हाईलाइट करते हो, मैंने ये शेड यूज़ किया है इसके लिए। तो कुछ प्रोडक्ट से मैंने यही लुक क्रिएट करा है। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो या ना आया हो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मैं जल्दी ही मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ नए लुक। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। लव यू ऑल। बाय बाय। सिया।